जादू की वजह से लड़ाई झगड़े बीमारी परेशानी देश की तंगी कामों में रुकावट पेश आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कामों में रुकावट आ रही है, बात बात पे झगड़ा हो जाता है, बीमारी घर में आ गई है, रिश्ते में तंगी हो रही है, मेरा बताया हुआ ये अमल मेरे ही तरीके के मुताबिक यकीन के साथ कर लें। अमल शुरू करने से पहले हस्ब तौफीक सदका खैरात लाजमी करें, और अगर अमल ख़त्म होने के बाद भी आप सदका खैरात करते हैं तो अमल के असरात फौरन ज़ाहिर हों। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए जिनके घर में जादू की वजह से लड़ाई झगड़े बीमारी परेशानी देश की तंगी कामों में रुकावट पेश आ रही है। आपको ये वीडियो शेयर करना आपके लिए सबका जागे बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक कर दीजिएगा, अगर मुनासिब समझे तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अमल का तरीका ये है, एक नया कोरा मट्टी का घड़ा लेकर उसे पानी से भर दें, बाद नमाज़ इशा किसी ऐसी जगह बैठ जाएं जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, हुकूमत तन्हाई हो। कुरान पाक की आयत वजा बताइश्तुम जब्बारी 1100 बार अव्वला अगर 11 बारी दुरूद शरीफ पढ़कर ये मकसद को जहन में रखते हुए अमल मुकम्मल कर लें और गड़े वाले पानी पर फोंक दें, आखिर में अपने मकसद की दुआ मांगो। आपने खुद पर भी दम करना है। इस अमल को लगातार 3 दिन तक कर लें, आपके घर से लड़ाई झगड़े रिज़्क़ की तंगी परेशानी मुश्किल बीमारी ये सब आपकी जान छोड़ जाए। इस पानी को नीचे मत गिराइएगा, सब घर वाले इस पानी को पी लें, हो सके तो थोड़ा सा पानी लेकर अपने चेहरे पर मल लिया करें। इंशाल्लाह आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे कि आप हैरान रहेंगे। मेरी दुआ है कि इतने भूलों की तरह सदा हंसते मुस्कुराते रहें।